एकजुट जम्मू जिंदाबाद, खड़े करो जम्मू जिंदाबाद, एकजुट जम्मू जिंदाबाद, बंद करो बंद करो हिंदू भ्रष्टाचार, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो हिंदू भ्रष्टाचार, बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार है यार, वाइट रखना थोड़ा पीछे, आनंद करो हिंदू भ्रष्टाचार, बंद करो नहीं नहीं हो रहा भाई, हाय हाय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय बंद करो हिंदू भ्रष्टाचार, बंद करो जी। उनकी मानसिकता ये बनी है कि किस तरह से हम वहाँ पर एनक्रोचमेंट करें, किस तरह से हम वहाँ की जनता का जो गद्दी समाज है उनका पलायन करवाएं। उसके लिए जो षड्यंत्र रचा जाता है कि हर साल वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिससे वहाँ के लोगों को लहूलुहान होना पड़ता है, और ये एक्टिविटीज इस तरह की जो जो कारनामे वहाँ पर हो रहे हैं ये आज के नहीं पिछले कई सालों से होते जा रहे हैं, पर सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंगली। जब तक सरकार उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगी उनके हौसले बुलंद होते रहेंगे, और उसी हौसले बुलंद होते हम कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने वहां पर लहूलुहान किया गया, सरकार का दायित्व बनता है कि उन गुज्जर समाज के लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, संज्ञान में लाकर उन लोगों को जेल के अंदर ठोका जाए, और जिन लोगों को उन्होंने वहां पर उनको घायल किया उन लोगों को वहां पर उन्हें एक कंपनसेशन दी जाए। और साथ ही साथ आपको जो बड़ा मामला वहां सामने यही आ रहा है कि वहां पर वो एक एनक्रोचमेंट को लेकर वहां पर जाते हैं, उनकी जो पशु हैं जिनसे वो भैंसे हैं जिनसे वो दूध निकालते हैं आप जान लीजिए वो यहीं पर रहती हैं, और सिर्फ वो छोटे पशुओं को लेकर वहां जाते हैं। किस चीज को लेकर? कि उन लोगों ने वहां पर एक एनक्रोचमेंट करनी है, और वहां पर स्टेट जो फॉरेस्ट की लैंड है उस पर एनक्रोचमेंट चल भी रही है।